आज हम 1000 टेम्परेचर ज्यादा गुस्सा में बनी। रौरा लोगों के बता रहा बनी कि जो आज हमार खेसारी भाई जो सुपरस्टार गायक बड़े उनकरा के फंसावे खातिर 25 लाख रुपया के दलाली ले ले बालू। जी नमस्कार दोस्तों, आखिर मैं क्या बोलूं, जब से खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट के मामले में फंसे हैं, जब से लगातार कई वीडियो बनाया जा रहा है जो कि खेसारी लाल यादव पे अलग अलग यूट्यूबरों के द्वारा अलग अलग वीडियो बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और जो मन सो बना रहा है। तो शायद उन लोग कैसे वीडियो बनाए उससे मेरा लेना देना नहीं था, पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसको मैं देखें तो मेरा समझ में आया आखिर ये सच है ये गलत, जो कि BIB विजेंद्र सिंह। BIB विजेंद्र सिंह लाइव आते हैं और अपनी वीडियो के माध्यम से बोल रहे थे कि जो भी खेसारी लाल यादव साथ घटना घटी है एग्रीमेंट को लेकर, जो कि उन्हीं लोग के आदमी 25 लाख रुपया लेकर घूस लेकर खेसारी लाल यादव के फंसाया गया है, जो कि पूरी तरीका से वो साबित किया है, सिर्फ नाम नहीं बताया, तो वो बोल रहा है कि 2-3 दिन में नाम बता दिया जाएगा। तो ये शायद हो सकता है सही है गलत, मेरा फिर कंफर्म नहीं है, पर वो बोल रहा था जो कि मैं आप लोग के हेड देने की कोशिश किए हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है, क्योंकि जब खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट कर रहे थे तो पता नहीं खेसारी लाल यादव मान के चलो कि उसको इंग्लिश कमज़ोर है, तो विवेक सिंह और उसका टीम तो अच्छे थे जो कि इतने भारी काम में उन लोग के ध्यान देना चाहिए और एग्रीमेंट के पूरा समझा देना चाहिए खेसारी लाल यादव के कि आखिर क्या मामला है इसमें, क्या होने वाला है और क्या करने पड़ेगा। तो यहाँ पे एक गलत किए हैं टीम ने, खेसारी लाल यादव की टीम ने, तो शायद घूस लेकर किए हैं या कैसे किए हैं मेरा फिर जानकारी नहीं है। अगर कहीं से खुलासा होगा तो ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन के जो मालिक है वही खुलासा कर सकते हैं, पर कोई जैसा भी वीडियो बना ले उन लोग पर ध्यान नहीं देना है, आखिर कोई आएगा सा रिपोर्ट तो हम लोग ये पता चल जाएगा और मैं सबसे पहले आप लोग के अपडेट देने की कोशिश करने वाला था। फिलहाल के लिए ये अपडेट था, आप लोग की क्या लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप भी खेसारी लाल यादव के दिल से चाहते थे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई लोग के पता चल जाए कि ऐसा मामला में क्या करना चाहिए, कैसी वीडियो बनाना चाहिए और कैसी नहीं बनाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट था, मिलते किसी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भोजपुरी।